हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर सब। आज का जो हम लोग प्ले डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है द बर्ड्स, जिसे लिखा था एरिस्टोफेन ने। बर्ड्स की बात कर ले तो बर्ड्स एक क्लासिकल प्ले है और साथ ही ये एक कॉमेडी है। कॉमेडी यानी इस प्ले का एंडिंग में एक हैप्पी एंडिंग होता है। और एरिस्टोफेन की बात कर ले तो एरिस्टोफेन एक ग्रीक प्ले राइट हैं और इन्हें फादर ऑफ कॉमेडी भी कहा जाता है। और ये जो प्ले है द बर्ड्स, इसे सबसे पहले परफॉर्म किया गया था 414 BC में एक शहर के अंदर जिसका नाम था जियोनिसिया। तो प्ले को शुरू करने से पहले इसे हम लोग कुछ मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ कैरेक्टर आता है, इसका नाम है पिस्थेचरस। पिस्थेचरस इस प्ले का मेन प्रोटागोनिस्ट है और ये एक मिडिल एजेड मैन है और ये एथेंस का रहने वाला निवासी है, यानी एथेंस का सिटीज़न है। और ये वहाँ के तौर तरीकों से, वहाँ के करप्शन से तंग आकर यहाँ जंगलों में भटक रहा है हुपी बर्ड की तलाश में। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर जो आता है वो, उसका नाम है यूलपाइज। यूलपाइज जो है यहाँ पे, वो कौन है, ये प्रोटागोनिस्ट यानी पिस्थेचरस का ही फ्रेंड है और ये उसके साथ आया हुआ है और ये भी हुपी बर्ड की तलाश में है। नेक्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पे, उसका नाम है हुपी बर्ड। हुपी बर्ड पहले एक इंसान हुआ करता था, एक लेजेंडरी थ्रेशियन किंग हुआ करता था, पर बाद में ये एक पक्षी में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये लोग जो हैं पिस्थेचरस, यूलपाइज, ये लोग उससे एडवाइस लेने के लिए, सलाह लेने के लिए कि किस तरह से लोग जीवन को नया तरह से शुरू करें, उससे एडवाइस लेने के लिए ये लोग उससे मिलने आए हैं और जंगलों में उसे तलाश कर रहे हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टर जो है यहाँ पे, वो है प्रोमीथियस। प्रोमीथियस एक टाइटन फायर गॉड है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट कैरेक्टर आता है, वो है ओलंपियन गॉड्स। तो आखिर ओलंपियन गॉड्स कौन है? अकॉर्डिंग टू एंशियंट ग्रीक रिलीजन एंड माइथोलॉजी, 12 ऐसे गॉड्स हैं जिन्हें ओलंपियन गॉड्स का टाइटल दिया गया है। और ओलंपियन गॉड्स जो हैं वो टाइटन गॉड्स से एकदम अलग हैं। इनका एक अलग सेक्शन है, टाइटन गॉड का एक अलग सेक्शन है। इनमें से कुछ का नाम लेता हूँ, जिनका नाम है ज्यूस, अपोलो, एफ्रोडिट, हेरा। तो ये लोग जो हैं, ये ऐसे 12 गॉड्स हैं। और यहाँ पे ज्यूस है, ये सभी ओलंपियन गॉड्स में सबसे मेजर गॉड है। और प्रोमीथियस जो है, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कैरेक्टर, प्रोमीथियस इनका सबसे बड़ा एनिमी है, ठीक है। तो स्टोरी जो है वो कुछ इस तरह से शुरू होता है कि दो मिडिल एजेड मैन, जिनका नाम होता है पिस्थेचरस एंड यूलपाइज, जो कि एथेंस के रहने वाले निवासी हैं यानी एथेंस के सिटीजन हैं, ये लोग जंगलों में, हिल साइड के जंगलों में भटक रहे हैं और इनके हाथों में एक एक पक्षी है। एक के हाथ में क्रो होता है, दूसरे के हाथ में जैकडो होता है। और ये लोग जो हैं भटक रहे हैं और ये लोग हुपी बर्ड की तलाश कर रहे हैं। तो ये जो इनके हाथों में पक्षी है, ये इन्हें डायरेक्शन दिखा रही थी, पर अब ये जो हैं भटक गए हैं और इन्हें हुपी बर्ड नहीं मिल रही है। तो हुपी बर्ड आखिर कौन है जिसकी ये लोग तलाश कर रहे हैं? हुपी बर्ड पहले एक इंसान हुआ करता था, पर एक लेजेंडरी थ्रेशियन किंग हुआ करता था, पर बाद में ये एक पक्षी में बदल चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। तो अब ये लोग जो हैं उसे खोज रहे हैं और उससे एडवाइस लेना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं एथेंस के रूल्स, रेगुलेशंस, वहाँ के करप्शन से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। तो इसीलिए इससे एडवाइस लेके अपनी ज़िंदगी को एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, नया स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये लोग उसे खोज रहे हैं। तो तभी क्या होता है, एक बड़ा सा पक्षी आता है जो कि हुपी बर्ड का सर्वेंट होता है, जिसका नाम होता है टॉकिलस। तो ये जो है उनके सामने आ जाता है और इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो ये लोग उसे देखकर डर जाते हैं। तो ये जो है ट्रोकिलस, ये पूछता है कि तुम लोग कौन हो आखिर, कहीं तुम पक्षी पकड़ने वाले तो नहीं हो जो पक्षी पकड़ लेता है और बेच देता है उन्हें? तो ये लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ पक्षी पकड़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ हुपी बर्ड से मिलने आए हैं और हम हुपी बर्ड से एडवाइस लेने आए हैं लाइफ के बारे में। और ये लोग उसे मिलकर कन्विंस कर लेते हैं। तो तभी क्या होता है, हुपी बर्ड जो है उनके सामने खुद आ जाता है। हुपी बर्ड आता है तो ये लोग उसके पंखों को देखते हैं कि इसका पंख जो है उगना बंद हो गया है, पॉज हो चुका है, और इसके वजह से इसका पंख झड़ रहे हैं अब। और हुपी बर्ड को ये लोग अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि हम एथेंस के रहने वाले हैं और वहाँ के लॉ, कोड, पॉलिटिक्स, फॉल्स ओरेकल्स, अब मिलिट्री को देख के, वहाँ के करप्शन को देख के हम वहाँ से तंग आकर यहाँ आपसे मिलने आए हैं और आपसे एडवाइस लेने आए हैं लाइफ के बारे में। तो वो कहते हैं कि हमारा लाइफ जो है बहुत ईजी गोइंग लाइफ है, हमारे लाइफ में सिर्फ खाना पीना और प्रेम से रहना, इस तरह का लाइफ हम जी रहे हैं। तो तभी ये जब ये सुनता है तो पिस्थेचरस के मन में एक ब्रिलियंट सा आइडिया आता है और वो कहता है कि क्यों ना आप लोग इस तरह बेवकूफ़ों की तरह उड़ने के बजाय आप लोग एक शहर बनाओ, एक बड़ा सा शहर ठीक आसमान के बीचों बीच। तो वो आगे बताता कि इसका बनाने का क्या फ़ायदा होगा। वो बताता कि अगर आप लोग क्या करें कि एक बहुत बड़ा सा शहर बना ले आसमान के बीचों बीच, तो इससे क्या होगा, आप इंसानों के ऊपर और भगवानों के ऊपर, दोनों के ऊपर राज कर पाएंगे। किस तरह से, अगर इंसान जो है वो जो पूजा पाठ करते हैं, जो भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो उसकी शक्तियाँ भगवान को मिलती है, ओलंपियन गॉड्स को मिलती है, तो उससे भगवान जो है ताकतवर बनते हैं। तो अगर आप एक शहर बना लेते हैं तो इससे क्या होगा,
भगवान इंसान जो पूजा पाठ करते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनकी शक्तियाँ जिनसे जो मिलती हैं भगवानों को, वो उनके तरफ जा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जो शहर बनाएंगे उसके वजह से वो जो चढ़ावा है वो उनके उन तक पहुँच नहीं पाएगा और वो रुक जाएगा बीच में। तो जिससे क्या होगा, भगवान कमज़ोर पड़ जाएंगे और आप लोग जो हैं दोनों के ऊपर राज कर पाएंगे और भगवान को भी आपके सामने आके झुकना पड़ेगा। तो ये जब मास्टर प्लान सुनता है होपी बर्ड, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहता है इस बात से और राज़ी रहता है, और वो कहता है कि ठीक है तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है। और वो क्या करता है, वो होपी बर्ड और उसकी वाइफ नाइटिंगल दोनों मिलकर सारे दुनिया के जो पक्षी हैं उसे बुलाते हैं, और ये सारे पक्षी जब आते हैं एक साथ, जितने भी दुनिया के वैरायटी ऑफ पक्षी हैं, तो ये लोग एक कोरस का रूप ले लेते हैं। अब आपको पता होगा कोरस कौन होता है, कोरस वो होता है जो प्ले के अंदर कमेंट करते हैं, गाना गाते हैं, कभी कभी एक्ट में परफॉर्म भी करते हैं। तो यहाँ कोरस का रूप ले लेते हैं, और ये जब पक्षी पिस्थेटरस और यूलपाइट्स को देखते हैं जो कि इंसान है, तो इसे देखकर बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं। तो होपी बर्ड समझाता है कि रुको रुको, ये हमारे मेहमान हैं और ये हमारे लिए प्लान लेके आए हैं। तो पिस्थेटरस जो है यहाँ पे, वो क्या करता है, इन्हें सब कुछ समझाता है अपने प्लान के बारे में, और इस तरह से हम लोग मिलकर इंसान और भगवान के ऊपर राज कर सकते हैं। तो ये सुनकर जो पक्षी हैं, जो कोरस हैं आए हुए हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और वो ये कहते हैं कि ठीक है आप हमें लीड करें कि किस तरह से हम लोग जो हैं भगवान के ऊपर राज कर सकते हैं। और आगे क्या होता है, ये जो पक्षी आए हुए होते हैं, ये लोग एक एक करके अपने बारे में बताते हैं कि हमारा ओरिजिन जो है, हमारे जो पूर्वज थे वो भगवान से भी पुराने थे और भगवान से भी ज़्यादा पावरफुल रह चुके हैं, और पक्षी होने का क्या क्या फ़ायदा है, और ये सब अपनी बड़ाई कर रहे हैं एक करके। तो इसी दौरान क्या होता है, पिस्थेटरस और यूलपाइस जो है यहाँ पे होपी बर्ड के साथ जाते हैं एक मैजिकल रूट चबाने के लिए। मैजिकल रूट यानी एक ऐसा जड़ चबाने के लिए जिससे ये लोग जो है इंसान से पक्षी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये लोग जो है जाते हैं और वहाँ रूट चबा के आते हैं बाहर, तो ये लोग एक पक्षी में कन्वर्ट हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, और इनका जो अपीयरेंस है थोड़ा स्पोर्टी, थोड़ा फनी लगता है देखने में। और फिर ये लोग आगे जो है सिटी को कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ शुरू होता है, आरम्भ होता है शहर का बनना। तो ये लोग जो हैं सब मिलकर इस शहर का जो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, तो इसे एक नाम दे देते हैं, इसका नाम होता है क्लाउड कक्कू लैंड। और पिस्थेटरस जो है एक रिलीजियस सर्विस परफॉर्म करता है बर्ड्स के सम्मान में, और उन्हें नया गॉड का पोस्ट दे देता है। तो जिस तरह से हम लोग जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं ताकि काम अच्छे से हो जाए, तो उसी तरह यहाँ पे पिस्थेटरस जो है एक रिलीजियस सर्विस परफॉर्म कर रहा है और पक्षियों को नया सम्मान दे रहा है नया भगवान का। तो इसी दौरान क्या होता है, कुछ अनवेलकम मतलब बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं जो कि इंसान होते हैं। वो लोग देख रहे होते हैं कि शहर बन रहा है तो यहाँ उन्हें नौकरी मिल जाएगी, और वो लोग नौकरी की तलाश में आए हुए होते हैं। तो जिनमें सबसे पहले एक पोएट होता है, एक कवि होता है, जो कहता है कि देखो तुम लोग मुझे इस शहर का ऑफिशियल पोएट घोषित कर दो। फिर उसके बाद एक ओरेकल होता है, एक भविष्यवाणी करने वाला होता है। फिर उसके बाद होता है एक ज्योमेट्रिशियन जो कहता है कि मैं इस शहर का एक अच्छा सा टाउन प्लान रेडी कर दूंगा। फिर एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है, एथेंस का ही होता है, जो सोचता है कि वो यहाँ आके प्रॉफिट कमा लेगा। और एक मूर्ति बेचने वाला होता है। तो ये सब जो है यहाँ पे आते हैं, तो पिस्थेटरस जो है इन सबको भगा देता है। उसके बाद क्या होता है, कोरस जो है वो लोग आगे आते हैं करके, और वो लोग रूल्स जो है फ्रेम करते हैं शहर के लिए कि अगर कोई क्राइम हो जाए बर्ड्स के खिलाफ तो क्या क्या रूल्स होने चाहिए। तो ये लोग रूल्स फ्रेम कर रहे होते हैं, तभी एक मैसेंजर आता है, एक सेवक आता है, और इन्हें कहता है कि सिटी वॉल्स, जो सिटी के हमारे शहर का जो वॉल्स है वो रेडी हो गया है, और ये सब मुमकिन हो पाया है, जो दुनिया भर के पक्षी आए थे इनके एक साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट के कारण ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो एक मैसेंजर तो ये इन्फॉर्मेशन दिया, तभी एक सेकेंड मैसेंजर आता है और वो कहता है कि एक ओलंपियन गॉड को पकड़ा गया है और वो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके भाग रही थी। तो वो ओलंपियन गॉड को नीचे लाया जाता है, तो देखते हैं कि ये ओलंपियन गॉड होती है गॉडेस आयरिस। गॉडेस आयरिस जो है ज्यूस यानी ज्यूस की बेटी होती है ये। ज्यूस कौन, ओलंपियन गॉड में सबसे मेजर जो गॉड है उनकी बेटी गॉडेस आयरिस वो यहाँ पकड़ी गई है। तो इसे पिस्थेटरस के सामने लाया जाता है और पिस्थेटरस इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहता है और इसे फिर छोड़ देते हैं कि अपने पिता के पास जाए और कंप्लेन करे कि किस तरह से हमने इसे ट्रीट किया इसके साथ। तभी एक तीसरा मैसेंजर आता है और वो रिपोर्ट करता है कि वो कहता है कि सर बहुत ज़्यादा तादाद में अनवेलकम विजिटर्स आ रहे हैं यानी बिन बुलाए मेहमान आ रहे हैं, जिनमें से एक यूथ होता है, एक नौजवान होता है, जो बोलता है कि मुझे यहाँ पे अपने पिता को मारने का परमिशन मिल जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी अपने पिता को मारने से क्या होता है,
पनिशमेंट मिलता है। तो ये एक नया शहर है, तो मुझे यहाँ पे ज़रूर अपने पिता को मारने का परमिशन मिल जाएगा। और उसके बाद एक फेमस पोएट होता है जो अपने लाइंस को बड़बड़ा रहा होता है, और उसके बाद कुछ और भी लोग होते हैं, तो सबको यहाँ पे जो प्रोटागोनिस्ट है पिस्थेटरस, ये सबको भगा देता है यहाँ से। तो फिर एक आखिरी गॉड आता है जिसका नाम होता है प्रोमीथियस, जो कि एक टाइटन फायर गॉड है। वो यहाँ आता है, वो ज्यूस से बचता फिर रहा है, और वो आकर पिस्थेटरस को बताता है कि आप लोगों ने जो यहाँ शहर बनाया है इसके वजह से ओलंपियन गॉड जो है अब स्टार्व कर रहे हैं और वो उनकी शक्तियाँ कमज़ोर हो रही हैं, तो आप लोग जो हैं इसके साथ ओलंपियन गॉड्स के साथ तब तक नेगोशिएट मत करना जब तक वो लोग आपको अपना स्केप्टर और अपनी प्रिंसेस ना दे दे। स्केप्टर क्या होता है, जिस तरह से आपने देखा होगा एक्वामैन की मूवी, तो उसके हाथ में एक स्केप्टर होता है, हमारे गॉड के जैसे शिव जी होते हैं तो उनके हाथ में एक त्रिशूल है, वैसे ही यहाँ पे ज्यूस के हाथ में भी एक स्केप्टर होता है। तो ये कहता है कि जब तक आपको ये अपना स्केप्टर और अपनी प्रिंसेस ना दे दे तब तक आप इसे हाथ मत मिलाइएगा। तो ये बोल कर चला जाता है वहाँ से। तभी क्या होता है, ज्यूस के कुछ भेजे हुए लोग आते हैं जिनमें से ज्यूस का एक भाई होता है स्यूडॉन, फिर एक हेराकल्स, फिर और भी कुछ गॉड्स होते हैं। तो ये लोग सब बात करने आए हैं शांति के लिए, और यहाँ पे पिस्थेटरस जो है इनसे बात करता है और इन्हें राज़ी कर लेता है, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करवा लेता है, इन्हें मजबूर कर लेता है एक्सेप्ट करने के लिए। और फाइनली ये जो है ज्यूस इसे अपना स्केप्टर और अपनी प्रिंसेस जो है बेसिलिया ये देना पड़ता है, और अब पिस्थेटरस जो है एक नया गॉड बन चुका है और इसकी शादी जो है बेसिलिया से होने वाली है, और सब लोग खुशी मना रहे हैं इस बात के लिए, और ये एक नया गॉड घोषित हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरह से स्टोरी का जो है एक हैप्पी एंडिंग होता है, और फाइनली बर्ड्स का जो है यहाँ पे जीत हो जाता है। आई होप कि आपको पूरा जो मेरा नरेशन है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा स्टोरी अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं मुझे कि आपको फ्यूचर में किस तरह के नए वीडियोस देखने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।